दोस्तों, मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या ऊपर के आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। और आप हमारे अजय ऑनलाइन फ्री क्लास फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ से आप हमारे नोट्स के पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे सीजीएसएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि और उसके प्रमुख कारक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम आज के महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कृषि और उसके प्रमुख कारक, जो कि एग्रीकल्चर टॉपिक से है। हम जानते हैं कि भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग यहां से 50-60% जनसंख्या, क्या बोल रहा है, लगभग है 50-60% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। क्या लगी हुई है आपका? लगभग 50-60% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, जो कि धीरे धीरे क्या है, कम होते जा रही है। क्या है? जो कि धीरे धीरे कम होते जा रही है। यह एक प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत क्या है, यह एक प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, खेती, पशुपालन एवं मत्स्य पालन तथा वानिकी को भी सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया आपका? वानिकी को भी कृषि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। हमने क्या देखा ऊपर कि लगभग इसके 50-60% जनसंख्या है जो कि धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। भारत में कृषि करने वाली संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो कि शहरी और नगरीकरण में क्या है, परिवर्तन होते जा रहा है, जिसके कारण क्या है, लोग अपना गाँव छोड़कर शहर की ओर जाते जा रहे हैं और वहां बिजनेस कर रहे हैं या तो नए नए मजदूर कर रहे हैं, नए नए तकनीक सीख रहे हैं और कृषि कार्य को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। कृषि में खेती करना ही कृषि नहीं है। कृषि क्या है? अपन कृषि की बात कर रहे हैं तो खेती करना कृषि नहीं है। जो लोग पशुपालन करते हैं, क्या बोल रहा है, जो लोग पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं तथा वानिकी करते हैं, ये भी किसके अंतर्गत आता है? ये भी कृषि के अंतर्गत आता है। क्या क्या आता है आपका? पशुपालन, मत्स्य पालन तथा वानिकी को भी कृषि के अंतर्गत रखा गया है। तो हम देखते हैं अब आगे। और भारतीय कृषि प्रमुख विशेषता है कि देश की आधी जनसंख्या क्या है, कृषि कार्य करती है। किसके लिए करती है? भरण पोषण करती है। क्या है? भारतीय कृषि प्रमुख विशेषता क्या है? या देश की आधी जनसंख्या का भरण पोषण करती है। क्या है? जब तक कृषि नहीं होगा तो लोगों को भोजन ही नहीं मिलेगा तो कहां से कुछ होगा। तो कृषि क्या है, आधी जनसंख्या को पूरे भारत देश की भरण पोषण करती है। अब आगे चलते हैं, इसका क्या योगदान है अपने हमारे अर्थव्यवस्था में उसको देखते हैं। हमारे अर्थव्यवस्था में इसका 18.5% योगदान करता है। क्या है? कृषि हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का लगभग, क्या बोल रहे हैं आपका, जीडीपी का लगभग यह क्या अनुमानित प्रतिशत है। कितना प्रतिशत आपका? 18.5% योगदान करता है। किसमें योगदान करता है आपका? अर्थव्यवस्था के जीडीपी में योगदान करता है। भारतीय कृषि, अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं अपन। भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित होती है। जब तक आपका मौसम में मानसून ही नहीं होगा तो कृषि कहां से होगा? हर चीज क्या है, कृषि पूरा मानसून या मौसम पर ही निर्धारित रहती है। तो कृषि क्या है, मुख्यतः मानसून पर आधारित होती है, इसे मानसून जुआ भी कहते हैं। तो भारतीय कृषि क्या कहा जाता है, जो मानसून पर आधारित होती है उसे क्या कहते हैं आपका? मानसून जुआ भी कहते हैं। यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, किसे मानसून जुआ कहते हैं? भारतीय कृषि क्या है, मानसून पर आधारित होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन? मानसून जुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून जुआ भी कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे भारतीय कृषि के प्रमुख कारक के बारे में। तो भारतीय कृषि प्रमुख कारक को हमने क्या किया, चार भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा आपका? चार भागों में बांटा है। भारतीय कृषि के चार प्रमुख कारक हैं। तो पहला कारक है आपका भौतिक कारक, दूसरा कारक है आपका संस्थागत कारक, तीसरा कारक है आपका संरचनात्मक कारक और आपका है चौथा प्रशासनिक प्रयास या राजनीतिक प्रयास। क्या कि ये चारों कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। यहां से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चारों कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है कृषि के लिए भी। तो हम चलते हैं चारों कारक को एक एक करके समझेंगे आगे। हम सबसे पहले देखते हैं आपका भौतिक कारक। क्या देखेंगे हम? भौतिक कारक क्या है आपका? भौतिक कारक के अंतर्गत क्या लिया गया आपका? जलवायु के विभिन्न दशाएं। क्या किया गया? जलवायु के विभिन्न दशाएं। भौतिक कारक को समझने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि जैसे कि किसी किसान का खेत नहर और तालाब के किनारे है। क्या है? नहर है, पानी का वहां पे किनारे है, पास में है तालाब या नहर के किनारे, और एक दूसरे किसान का नहर और तालाब से क्या है, काफी दूर है। नहर और तालाब से क्या है, उसका खेत काफी दूर है।
तो इसमें सबसे अधिक लाभ किसको होगा, जिसका खेत नहर और तालाब के किनारे पास होगा उस किसान को क्या होगा, लाभ होगा, क्या होगा उसको लाभ होगा, और जो नहर और तालाब से दूर है उस किसान को क्या होगा, लाभ नहीं होगा। तो किस पर निर्भर रहते हैं वो, जो जिसका खेत बहुत दूर है वो नहर और तालाब से, वो मौसम पर या वर्षा पर या तापमान पर, क्या रहते हैं, वर्षा और तापमान बहुत ही जरूरी है कृषि के लिए। तो किस पर निर्भर रहेंगे वो, वर्षा और तापमान पर निर्भर रहते हैं जो दूर है जो, और बाकी जिसका खेत पास में वो नहर से पानी ले सकता है या तालाब से भी पानी ले सकता है। तो क्या है भौतिक कारक, अपन किसको लिए हैं, जलवायु के विभिन्न दशाएं को लिए हैं। तो भौतिक कारक के अंतर्गत इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्षा, तापमान, मिट्टी की उर्वरता आदि को शामिल किया गया है भौतिक कारक के अंतर्गत। हम देखते हैं अब संस्थागत कारण। संस्थागत कारण का मतलब है क्या है, नियम और कानून। क्या है संस्थागत कारण का मतलब, आपका नियम और कानून। नियम कानून मतलब क्या बात है इसमें, कि भूमि सुधार। भूमि सुधार आपका कब लाया गया था, आपका देश आजाद हुआ जब 1947 के एक साल बाद 1948 में आपका भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था आपका, 1948 में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था, लेकिन वो भी कुछ कार्यगत नहीं रही आपका। तो भूमि सुधार के अंतर्गत चकबंदी, काश्तकारी आदि आते हैं, ये सब क्या इसके अंतर्गत नियम या योजना को रखा गया है। तो संस्थागत कारण के अंदर क्या क्या रखेंगे, आपका भूमि सुधार और क्या चकबंदी। चकबंदी का मतलब क्या है, इसकी योजना या खेत के किनारे चकबंदी या काश्तकारी आदि आते हैं। यह समस्या भारत के औपचारिक देन है। संस्थागत समस्या क्या है आपका, भारत का औपचारिक देन है या समस्या आपका। अब चलते हैं आगे राजनीतिक कारण को देखते हैं, संरचनात्मक कारक को देख लेते हैं पहले हम। संरचनात्मक कारक, संरचनात्मक कारक क्या है, कृषि की उत्पादकता, क्या बोल रहा है इसमें, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने वाले तकनीक। क्या है इसमें, नई तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टि से इसको रखा गया है संरचनात्मक कारक को। क्या रखा गया आपको, नए तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टि से। तो देखते हैं हम इसको, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने वाले तकनीक या विज्ञान पर आधारित निवेश आते हैं। क्या है, जो जो विज्ञान आधारित है, वैज्ञानिक द्वारा जो बनाया गया नए नए तकनीक है, वो क्या है इसी संरचनात्मक कारक के अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या लिए गए, इनमें नए बीज, क्या लिए गए इनमें नए बीज, रासायनिक जरूरत या सिंचाई मशीनीकरण या कीटनाशक प्रमुख। क्या है नए बीज, नए बीज का मतलब क्या है, नए बीज के अंतर्गत क्या है आपके, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व तो रहते हैं नए बीज में। पहले क्या थे आपके, एक ही बीज मिलते थे, अभी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बीज मिलते हैं, धान के अलग अलग प्रकार के बीज, सबके जो कृषि के उपयोगी है सबके नए नए अलग अलग तरीके के बीज आते हैं, हाइब्रिड बीज, अलग अलग बीज जिसे जल्दी फल हो जाए, जल्दी फल पौधा हो जाए, ऐसे इसको क्या रखा गया, संरचनात्मक कारक के अंतर्गत रखा गया। कृषि को उत्पादक बढ़ाएगी, ये नए तकनीक आ गए हैं आपके, विज्ञान आधारित आपके क्या क्या आ गया, आपके मशीनीकरण हो गया आपका, हमारा किसाई किसान आपके जो क्या आपका मशीनीकरण का यूज करते हैं। इसमें क्या रखा गया आपका, कीटनाशक प्रमुख है, ये भारतीय कृषि में हरित क्रांति लाने का जिम्मेदार है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से जितने भी अभी मशीनीकरण, कीटनाशक प्रमुख जो नए नए तकनीक आए, क्या है भारतीय कृषि में हरित क्रांति को लाने के जिम्मेदार रही है ये। क्या लाइए आपका, हरित क्रांति को लाने की जिम्मेदार रही है। हम देखेंगे अब राजनीतिक कारक, राजनीतिक कारक क्या रखा गया, इसको प्रशासनिक प्रयास, राजनीतिक प्रयास या प्रशासनिक प्रयास। इसमें क्या है, भारतीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, भारतीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक की प्रमुख भूमिका रही है। किसकी प्रमुख भूमिका रही है आपको, भारतीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए आपका राजनीतिक और प्रशासनिक की प्रमुख भूमिका रही है, क्योंकि ये संस्थागत, अपने ऊपर देखा था संस्थागत और संरचनात्मक कारकों की सफलता पर निर्भर है। जो संस्थागत कारक करेगी या संरचनात्मक कारक करेगी उसकी सफलता पर क्या रहती है, प्रशासनिक और राजनीतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक क्या रहती है, सफलता पर निर्भर रहती है। इसमें भी दो तीन पॉइंट लिए गए हैं आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसको लिया गया आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये क्या है सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं हर साल। तो अभी देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके द्वारा क्या है अपन लोगों क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। जैसे कि हमने खुद क्या है धान बोया, धान बोया, वहां धान क्या हो गया अपना बहुत ज्यादा अधिक हो गया, धान अधिक हुआ, हमने 4-5 एकड़ बोया तो अपने खाने लायक क्या हो गया अपना 1 एकड़ का ही हो गया खाने लायक धान। तो अपन 4 एकड़ के धान को क्या करेंगे, तो 4 एकड़ के धान को अपन किसी गल्ला व्यापारी या धान धान बेचने वाले या लेने वाले के ऊपर अपन उसको बेच देंगे। क्या करेंगे, अपन खाने लायक धान को रखेंगे
और बाकी धान को क्या करेंगे अपन न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेच देंगे। तो इसको किसके अंतर्गत रखा गया आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य को रखा गया है, जो कि भारत सरकार द्वारा हर साल अलग अलग तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। हम देखते हैं विपणन, विपणन के अंतर्गत क्या रखा गया आपका, विपणन में भी आपके बांटे गए नए नए चीजों को बांटा गया इसमें विपणन में भी। और अब देखते हैं कृषि बीमा, कृषि में भारत सरकार द्वारा कृषि बीमा, कृषि में किसके लिए रखी जाती है, फसल के लिए की जाती है, कृषि में क्या है फसल के लिए भी की जाती है, जो कि प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हो करंट में क्या चल रही है आपका वर्तमान में प्रधानमंत्री कृषि बीमा चल रही है, जिससे क्या है लोग बीमा उठा सकते हैं। वैसे उसको भी विपणन भी वैसी कुछ उसी प्रकार का ही है, कृषि बीमा क्या है अपन बीमा ले सकते हैं, अपन कृषि के लिए फसल बीमा ले सकते हैं, बहुत सारा बीमा ले सकते हैं जिससे किसानों को लाभ प्राप्त होता है। हम चलते हैं आगे, आगे हम देखते हैं भंडारण केंद्र, क्या देखेंगे आपका भंडारण केंद्र और अन्य कृषि आधारभूत संरचना, क्या है नए नए जगह या प्राइवेट क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में भंडारण केंद्र बनाए गए हैं, जो कि धान रखने के लिए, जो किसान जिसके धान अधिकता हो जाती है वो दूसरे भंडारण केंद्र अपने धान रखते हैं और उसे भंडारण केंद्र वाले को कुछ पैसा दे देते हैं, उसे क्या फिर भंडारण केंद्र का लाभ होता है, या सरकारी भंडारण केंद्र बनाए गए हैं जहाँ किसान अपने धान रखते हैं। और अन्य कृषि आधारभूत संरचना, बहुत सारी संरचना बनाए गए कृषि के योगदान के लिए और लाभ के लिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।